बड़ा फैसला, ये बड़ी खबर है। 25 से 27 सितंबर तक परीक्षा स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने निर्देश दिए। रीट परीक्षा में लगभग 26 लाख परीक्षार्थियों के बैठने की संभावना है और विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की सहूलियत हमारी प्राथमिकता है, भंवर सिंह भाटी ने यह बात कही है। इसके अलावा 25 से 27 सितंबर की परीक्षाएं होंगी स्थगित, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला लिया गया है मंत्री जी की तरफ से। रीट परीक्षा को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। ललित हमारे साथ सहयोगी जुड़ गया। ललित, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, अगर रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिहाज से बात की जाए तो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जितनी भी परीक्षाएं हैं 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक की, उन सभी को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, चाहे वह सरकारी कॉलेज हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या अन्य कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज हो। इसमें यूजी पीजी सेमेस्टर की परीक्षाएं शामिल की गई हैं। परीक्षार्थियों की ध्यान में रखते हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की ओर से ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को ये आदेश जारी कर दिए हैं 25 से 27 सितंबर तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया जाए। इसके साथ ही उनका जो नया परीक्षा तिथि है वह भी जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि परीक्षार्थियों को बाद में ज्यादा इंतजार न करना पड़े। ऐसे में रीट की तैयारी अगर बात करें, तकरीबन 16 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, जिसमें से करीब 7 लाख जो परीक्षार्थी हैं वह अंतर जिला आवागमन करेंगे। इसके साथ ही करीब 10 लाख जो परीक्षार्थी हैं उनको हालांकि जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित हुए हैं, लेकिन उन वह भी करीब 100 किलोमीटर की परिधि में आने के चलते उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन इससे राहत भी है, एक तरह से थोड़ा मौका भी मिल गया और क्लैशेस नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, अगर बात करें यूजी पीजी और सेमेस्टर की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाओं का जल्द आयोजन करने के बाद परिणाम जारी करना है। ऐसे में इन परीक्षाओं के मद्देनजर ये देखा जा रहा था कि रीट की परीक्षा और जो उच्च शिक्षा की परीक्षाएं थी वह एक दूसरे से क्लैश कर रही थी। कल ही हमने देखा था कि संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया था रीट के चलते, और उसके बाद आज उच्च शिक्षा की ओर से परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में प्रदेश के उन लाखों जो परीक्षा हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि अब उनके सामने उच्च शिक्षा की परीक्षाएं समस्या नहीं बनेंगी, वह रीट की परीक्षा देने के लिए आराम से आवागमन कर सकेंगे। इसके साथ ही जो तैयारी की जा रही है, परीक्षार्थी रीट की तैयारी में जुटे हुए हैं, ऐसे में वे अपनी उच्च शिक्षा की परीक्षाओं और रीट की तैयारियों को समय नहीं दे पा रहे थे, तो ये उन लाखों परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनकी वजह से अब 25 और 27 सितंबर की जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, आने वाले टाइम में जल्दी इन परीक्षाओं का आयोजन भी करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में उन परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया, लेकिन उनकी नई तारीख जल्द जारी कर दी जाएगी। रीट परीक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से।